Who is that? Think me there. That's very good. Sit. That doesn't mean this dog understands English. क्या आपको कुछ समझ में आया? नहीं? एक और देखिए. दूसरी शादी करा दूं, मैं तेरे को दूल्हा बना दूं, ऐसे पहनो जैसे जो हनी सिंह पहनता है. अब समझ में आया? अभी भी नहीं तो मैं समझाती हूँ. आपने नोटिस किया होगा कि इन सभी क्लिप्स में आपने देखा कि इसमें जानवर हैं, जानवर जो कि बेजुबान होते हैं, कुछ भी बोलना नहीं आता उनको, वो भाषाओं को कैसे समझ रहे हैं. और तो और अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो विदेश में रहते हैं जानवर वो अंग्रेजी समझ रहे हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदी समझ रहे हैं, जो पंजाब में रहते होंगे वो पंजाबी भी समझते हैं. तो इस तरीके से हर एक जानवर अलग अलग भाषाओं को कैसे समझ रहा है. तो यहाँ समझने की बात यह है कि कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है. प्रैक्टिस ही एकमात्र ज़रिया है. गाइस, स्पोकन इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, ये जो लैंग्वेज है ये कोई टैलेंट नहीं है जो आपको जन्म से मिले. ये स्किल है जो सीखी जाती है प्रैक्टिस के ज़रिए. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप उस काम में माहिर होते जाएंगे. अगर आप ध्यान दें, एक ही क्लास में पढ़ाने वाला एक ही टीचर है, बच्चे 100 बैठे हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे अव्वल दर्जे पर जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं, कुछ बच्चे पासिंग मार्क्स से ले पाते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं. तो टीचर तो वही है. अगर टीचर में कोई कमी होती तो जो बच्चा फर्स्ट आया वो फर्स्ट ना आता. तो टीचर में कमी नहीं है तो कमी कहाँ है? कमी है जो प्रैक्टिस की जा रही है ना घर जाने के बाद, उसमें कुछ ना कुछ तो वहाँ पर मिस हो रहा है. जो आगे बढ़ता है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, जो फेल हो जाता है वो प्रैक्टिस ही नहीं करता. तो स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिस की ही नहीं, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ में फेल होंगे. आप स्पोकन इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं बिना बोले? ये तो वही बात हो गई कि आप तैरना चाह रहे हैं लेकिन पानी में उतरना नहीं है, तो बिना पानी में उतरे कोई भी तैरना सीख ही नहीं सकता. अब आप कहेंगे ठीक है, हम प्रैक्टिस करने को तैयार हैं, हमें फर्स्ट आना है तो हम प्रैक्टिस करने को तैयार है, किसके साथ करें? प्रैक्टिस के लिए तो कोई पार्टनर चाहिए ना. स्पेशली लैंग्वेज सीख रहे हैं तो कोई सामने बोलेगा, फिर मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा, या मैं कुछ पूछूंगा तो वो बोलेगा. ऐसे कोई पार्टनर तो चाहिए. मुझे तो पिछले 3 दिनों में, पता है आपको, 50 कॉल्स आ चुके हैं और सब यही कहते हैं, मैम मुझे स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, मैं बोलना चाहता हूँ, प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, बट कोई पार्टनर ही नहीं है, किसके साथ करूँ ना तो यहाँ पर माहौल है. तो गाइज, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है. आपके लिए प्रैक्टिस का ही सेट लेकर आई हूँ, क्वेश्चन आंसर का सेट. और आपके जो पार्टनर की खोज है ना, आज यहाँ पर पूरी होती है. मैं बनने वाली हूँ आपकी पार्टनर. मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे करना है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. आज जो आप सीखने वाले हैं वो जो चीज़ें होंगी वो सब आप बोलकर प्रैक्टिस करेंगे. एक क्वेश्चन मैं बोलूँगी, फिर आपके लिए समय दूंगी, आप भी उस क्वेश्चन को बोलेंगे, फिर मैं जवाब दूंगी और फिर आपको समय दूंगी, उस समय में आप जवाब देंगे. तो प्रश्न और उत्तर के ज़रिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, और किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाता है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है. तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी प्रैक्टिस ही कराने वाली हूँ, बशर्ते आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी होगी. इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि आप बोल कर प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी ये चीज़ काम करेगा. तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते, लेकिन याद रखिएगा उस टीचर और स्टूडेंट की बात जो मैंने आपको की है, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वही टॉप पर पहुंचेगा. जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, जितनी भी मैं वीडियोस डालती हूं उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए. लेट्स बिगिन. सो गाइस, सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज़ नहीं होता, बल्कि वी टू का यूज़ होता है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है. कैसे करना है वो जैसे जैसे आप सेंटेंसेस को बोलते जाएंगे आप खुद समझते जाएंगे. लेट्स स्टार्ट. व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? आपने कल क्या किया? अब आप बोलिए. आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे. मैंने कल एक मूवी देखी. अब आप बोलिए. वॉट डिड यू ईट फॉर लंच? आपने लंच में क्या खाया? आई एट पल्स एंड राइस फॉर लंच. मैंने लंच में दाल और चावल खाया. हु पेंटेड दिस पिक्चर? इस पिक्चर को किसने पेंट किया? माई मॉम पेंटेड दिस पिक्चर. मेरी माँ ने इस पिक्चर को पेंट किया. When did she turn on the TV? उसने टीवी कब चलाई? She turned on the TV an hour ago. उसने एक घंटे पहले टीवी चलाई. What did she say to you? उसने तुमसे क्या कहा? She said to me to talk to you. उसने मुझसे तुमसे बात करने के लिए कहा. What did you two do last Sunday? पिछले रविवार तुम दोनों ने क्या किया? We played tennis last Sunday. हमने पिछले रविवार टेनिस खेला. Why did Rohan cry? रोहन क्यों रोया? Rohan cried because he was sick. रोहन इसलिए रोया क्योंकि वह बीमार था. How many students passed the test? कितने बच्चों ने टेस्ट पास किया? 20 students passed the test. 20 बच्चों ने टेस्ट पास किया. How many people did you call? तुमने कितने लोगों को फोन किया? I called 9 people. मैंने 9 लोगों को फोन किया. How many people called you? कितने लोगों ने तुम्हें फोन किया? 9 people called me. 9 लोगों ने मुझे फोन किया. How much did you think about it? तुमने इस बारे में कितना सोचा? I thought about it a little bit. मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा. Why did you call me yesterday? तुमने मुझे कल किस लिए फ़ोन किया था? I needed help yesterday. कल मुझे मदद चाहिए थी. How long did it take to finish the project? प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में कितना समय लगा? It took a long time. इसमें लंबा समय लगा. Why did Rupesh come yesterday? रुपेश कल क्यों आया था? He needed to borrow some money yesterday. उसे कल कुछ रुपए उधार चाहिए थे. How much did it cost? ये कितने का पड़ा? It cost about 200 rupees. ये लगभग 200 रुपए का पड़ा. Did I forget something? क्या मैं कुछ भूल गई थी? Yes, you forgot your PAN card. हाँ, तुम अपना पैन कार्ड भूल गई थी. Did you have a good weekend? क्या तुम्हारा वीकेंड अच्छा रहा? Yes, I had a wonderful weekend. हाँ, मेरा वीकेंड बहुत ही शानदार रहा. Did he call you yesterday afternoon? क्या उसने कल दोपहर तुम्हें फ़ोन किया था? Yes, he did. हाँ, उसने किया था. Did it rain last month? क्या पिछले महीने बारिश हुई थी? Yes, it rained a lot last month. हाँ, पिछले महीने बहुत बारिश हुई थी. Did you pass the exam? क्या तुम एग्जाम में पास हो गए? No, I failed. नहीं, मैं फेल हो गया. Who did this? ये किसने किया? रुपेश did that. वो रुपेश ने किया. Did it work? क्या इसने काम किया? Yes, it worked. हाँ, इसने काम किया. Whom did you call? तुमने किसे फ़ोन किया था? आई कॉल्ड मीरा, मैंने मीरा को फ़ोन किया था। वाई डिडेंट यू कॉल मी, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? आई फॉरगॉट, मैं भूल गई थी। डिड दे लाइक द परफॉर्मेंस, क्या उन्हें परफॉर्मेंस पसंद आया? नो दे डिडेंट लाइक द परफॉर्मेंस, नहीं उन्हें परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया। डिड इट स्नो अ लॉट लास्ट विंटर, पिछली सर्दी में क्या ज़्यादा बर्फ गिरी थी? नो इट डिडेंट स्नो अ लॉट लास्ट विंटर, नहीं पिछली सर्दी में ज़्यादा बर्फ नहीं गिरी थी। डिड दे नॉट नो, क्या उन्हें पता नहीं था? नो दे डिड नॉट नो, नहीं उन्हें नहीं पता था। डिड यू हर्ट योर फिंगर, क्या तुम्हारी उंगली में चोट लग गई थी? यस आई हर्ट माई फिंगर, हाँ मेरी उंगली में चोट लग गई थी। डिड यू गो टू द हॉस्पिटल, क्या तुम अस्पताल गए थे? नो आई डिडंट, नहीं मैं नहीं गया था। डिड इट फिनिश ऑन टाइम, क्या ये समय पर ख़त्म हो गया था? नो इट डिडंट फिनिश ऑन टाइम, नहीं यह समय पर ख़त्म नहीं हुआ था। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे? वी वेंट ऑन अ ट्रिप, हम एक ट्रिप पर गए थे। When did you get back from your trip? तुम अपने ट्रिप से कब वापस आए? We returned yesterday. हम कल वापस आ गए थे। How did you do on the exam? तुमने एग्जाम में कैसा किया? I did pretty well on the exam. मैंने एग्जाम में काफ़ी अच्छा किया। Why did you look upset this morning? आज सुबह तुम परेशान क्यों दिख रहे थे? I didn't eat breakfast. मैंने नाश्ता नहीं किया था। How many biscuits did you buy? तुमने कितने बिस्किट्स खरीदे? I bought 10 biscuits. मैंने 10 बिस्किट्स खरीदे। What color did they paint their house? उन्होंने अपना मकान किस रंग से पेंट किया था? They painted their house yellow. उन्होंने अपना मकान पीले रंग से पेंट किया था। When did you clean your house? तुमने अपना घर कब साफ किया था? I cleaned my house last Saturday. मैंने अपना घर पिछले शनिवार को साफ किया था। When did it begin? ये कब शुरू हुआ था? It began at 7 in the evening. ये शाम को 7 बजे शुरू हुआ था। When did she arrive? वो कब आई थी? She arrived in the afternoon. वो दोपहर में आई थी। How much did you eat? तुमने कितना खाया था? I ate a lot. मैंने बहुत खाया था। Where did he work 10 years ago? 10 साल पहले वह कहाँ काम करते थे? He worked in Delhi 10 years ago. 10 साल पहले वह दिल्ली में काम करते थे। Why did you not call me? तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया था? I was busy. मैं व्यस्त था। Why didn't you come to pick me up? तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए थे? My car broke down. मेरी कार खराब हो गई थी। What did you not do yesterday? तुमने कल क्या नहीं किया था? I didn't have my breakfast. मैंने कल नाश्ता नहीं किया था। आई एम श्योर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है एंड आई नो कि आज से ही आपको फ़र्क समझ में आया है। और जैसा कि आपने लेसन में देखा, आप समझ गए कि ये था डे 5 उस कोर्स का जो मैंने आपके लिए 12 डेज़ का छोटा सा कोर्स बनाया, जिसमें आप एक दिन में एक टेंस के सभी तरीके के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। आज आपने पास्ट सिंपल के सभी सेंटेंसेस सीख लिए। अगले पार्ट में आपको मिलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के। आई एम श्योर कि आप फिर से इसमें आने वाले हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और इसे खूब शेयर कीजिए, ताकि इस तरीके से हर कोई प्रैक्टिस कर सके। और जब आप टेंसेस को समझ लेंगे, मतलब टेंस के सभी सेंटेंसेस को बनाना सीख लेंगे, तो आपके लिए सारी चीज़ें आगे की बहुत आसान हो जाएंगी, बिलीव मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।